हेलो गाइस, मेरा नाम निशांत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेकी एनजे। आज हम लोग जा रहे हैं मॉल ग्रैंड वेनिस में। ग्रैंड वेनिस यार ग्रेटर नोएडा का पॉपुलर मॉल है, तो आज आपको दिखाऊंगा मैं पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर और साथ में दिखाऊंगा क्या हम करने वाले हैं फन गॉसिप। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल से जॉब से टाइम निकाल के जा रहे हैं यार, और साथ में मेरे हेड्स, तो मिलवाऊंगा मैं आपको उनसे भी इस वीडियो में, तो देखते हैं इस व्लॉग को। गाइस देख सकते हैं आप मेरे साथ हैं अजीत सर, ये हमारे एसएमटी के हेड हैं, और आशीष सर भी हैं हमारे साथ पीछे देख सकते हैं आप। और हम लोग निकल पड़े हैं ग्रैंड वेनिस के लिए, ऑन वे हैं, और चल के आपको दिखाऊंगा मैं पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वेनिस के बाहर, ये इसका फ्रंट व्यू। अभी हम रोड पर हैं, ऑन द वे पार्क करेंगे गाड़ी एंड देन एंटर करेंगे मॉल में। आप देख सकते हैं वैसे तो आप ऑन रोड भी पार्किंग कर सकते हो, यूपी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी अगर सिक्योर पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है तो आप फोकस करें कि आप पार्क करें अंदर ही। तो गाइस ये एंट्रेंस ग्रैंड वेनिस की देख सकते हैं किस टाइप से एंट्रेंस है। यहाँ पे आते ही बिग बाज़ार का लोगो दिख गया हमें दूर से ही, और देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है, वेनिस स्टाइल में बनाया पूरा, वेनिस सिटी के हिसाब से। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो सर आपको कैसा लग रहा है, आप बताएंगे कुछ कैसा फील आ रहा है? अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये, और स्टेयर से जा रहे हैं हम ऊपर एंट्री करने। स्टेयर्स भी ऐसी हैं, आपको अलग ही फील देंगी। ओके नाउ वी आर ऑन द एंट्री। एंट्री काफी शानदार है, ये ली हमने एंट्री यहाँ से। ओके आ गए हम एंट्री करके अंदर मॉल में, ये है लुक। काफ़ी कुछ है घूमने के लिए यहाँ पे, और अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या खास है इस मॉल में, ये आप देख के ही पता चल जाएगा आपको। एंटायर मॉल गाइस, अब हम आ गए हैं ग्रैंड वेनिस के ग्राउंड फ्लोर पर, और ये है कुछ आपको इस तरह के ब्रांड्स मिलेंगे यहाँ पर, काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ। शॉपिंग करने का तो मज़ा ही आएगा, अगर आप मूड बना के आए हैं खूब सारे पैसे खर्च करने के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। गाइस यहाँ का सबसे बेस्ट थीम जो है वेनिस के ऊपर गंडोला राइड है, और गंडोला राइड में आप चार्जेस देख सकते हैं 300 to 400 rupees है पर पर्सन, सैटरडे संडे अलग अलग हिसाब है थोड़ा, और काफ़ी अच्छा फील आएगा इसमें। गंडोला राइड कीजिए और काफ़ी अलग ही फील आएगा इसमें। प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है यार, 300 पर पर्सन अगर आप वीकडेज में आते हैं, और 400 अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हैं तो। H&M और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कुशन्स हैं अवेलेबल हैं यहाँ, काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ सेंट्रल भी है यहाँ पे। पिज़्ज़ा टावर में करने जा रहे हैं एंट्री, देख सकते हैं कितना आलिशान बना हुआ है ये टावर। और इससे एंट्री करके हम जाएंगे अलग अलग फ्लोर्स पर मॉल की, तो गोल गोल घूम कर जाना है ऊपर हमें, तो हम जा रहे हैं ऊपर। काफ़ी अमेजिंग सा ट्रिप है ये वेनिस का।
ओके हम आ गए हैं फ्लोर पर। व्यू बहुत प्यारा है, सही है। काफ़ी प्यारी डिज़ाइनिंग दी हुई है, डिज़ाइनिंग को तो मैं 100 दूंगा, इतना औसम मॉल बनाया है। तो गाइस हम आ गए इसके टॉप फ्लोर पर, फूड कोर्ट पर। ये फूड कोर्ट का लोकेशन जैन वैनिस के टॉप फ्लोर पर है, बच्चों के खेलने के लिए भी और काफ़ी सारे इवेंट्स कर सकते हैं आप यहाँ पे। देख सकते हैं कुछ ब्रांड्स आपको दिख रहे होंगे खाने के, हल्दी राम भाव, यस एंड आफ्टर ऑल काफ़ी सारे ब्रांड खाने पीने के अवेलेबल हैं और इंटीरियर और बैठने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। कितना प्यारा लुक दिया गया है, आप आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस टाइप से कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है इसे, लाइव टीवी भी चल रहा है, टीवी भी देख सकते हैं लाइव मैच ऑनगोइंग, लाइव टीवी पर टेलीकास्ट चल रहा है। हाँ आइसक्रीम पार्लर काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, आइसक्रीम पार्लर अगर आपकी फेवरेट आइसक्रीम कोई सी भी है तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए, सारे आइसक्रीम पार्लर यहाँ पे हैं। और अब हम चलते हैं फूड कोर्ट की साइड। तो अब हम सोच रहे हैं करने का डिनर, और डिनर के टाइम पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स अगर आपको दिख जाए तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, क्यों सर कंफ्यूजन में आ जाते हो क्या खाएं क्या खाएं तो यही कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या खाएं। गाइस फाइनली डिसाइड हुआ डिनर का प्लेस डिनर तो नहीं बट हम कुछ सिजलर और कॉम्बो मंगाने वाले हैं लॉन्ग नूडल्स के, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे हमें तो ऑर्डर किया है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है और वेट कर रहा हूँ ऑर्डर का, उसके बाद दिखाऊंगा आपको क्या कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। गाइस कुछ इंटरेस्टिंग मंगाया है, चिली पोटैटो मंगाए हैं, बाकी अभी आ रहा है सिजलर, उसका वेट चल रहा है। तो गाइस रेडी है हमारा मिक्स कॉम्बो और अब चलते हैं हम डिनर टेबल पे। तो गाइस हमने लिए पान वाली कुल्फी और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, बाकी रिव्यू लेते हैं सर से, कैसा लगा सर आपको पान वाली कुल्फी? यार फर्स्ट टाइम खा रहे हैं बट अच्छा ही लग रहा है, ज़्यादा बुरा नहीं है। सो गाइस आज का वेनिस का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, वैसे तो जाना हमें अभी डोमिनोज भी है, मूड कर रहा है पिज्जा का बट वेनिस में हम यहाँ पे लास्ट मोमेंट हमारा यही है तो मैं यहाँ पे व्लॉग को करता हूँ एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डू हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यू।